D4, D5, NF3, NF6, E3, E6, B3, Bishop E7, Bb2, C5, Bishop D3, Nc6, Castle, Re1, B6, Nbd2, Bishop B7, Knight E5, Rc8, Knight Df3, Knight D7, Knight takes D7, Queen takes D7, Pawn takes Pawn, B takes E5, C4, Queen C7, Rc1, Pawn takes Pawn, Rook takes Pawn, F5, Queen A1, Bishop D6, Rh5, Queen E7, Rh5, Knight B4, Bishop takes G7, Queen takes G7, Rook G5. दोस्तों आप लोग जानते हो इस ओपनिंग को, मैंने बहुत सारे वीडियो पहले भी बना दिए हैं। अब मैं सिस्टम से ये सारे वीडियो, मतलब इस ओपनिंग के सारे वेरिएशन आपको समझाऊंगा। इस ओपनिंग का नाम है कोले सिस्टम, मेरी फेवरेट ओपनिंग है व्हाइट से कोले सिस्टम। वन बाय वन सारे वेरिएशन, मतलब ब्लैक के सभी रिप्लाई के सामने हम इसमें तैयारी करेंगे। दोस्तों ये मैंने गेम दिखाई है एक आपको कोले सिस्टम की। नेचुरल कोले सिस्टम अलग होता है और ये जो गेम है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट खेला गया है। जैसे कि यहाँ पे कुछ मूव्स चेंजिंग है व्हाइट की ओर से। Nc6 में रिप्लाई होना चाहिए A3, ताकि पॉन एक्सचेंज होने के बाद नाइट B4 आके हमारे लाइट स्क्वायर बिशप पे अटैक नहीं करें। दोस्तों यहां हम बात करेंगे कोले सिस्टम क्लासिकल फॉर्मेशन। क्लासिकल में जो स्टार्टिंग के मूव्स होते हैं सिमेट्रिकल, D4, D5, नाइट F3, नाइट F6, E3 एंड E6। सबसे पहला हम ये चैप्टर लेंगे, ये क्लासिकल वेरिएशन है। इसके ऊपर हम डीप में एनालिसिस करेंगे। गेम में आपको सभी ओपनिंग के वेरिएशन बताता जाऊंगा। आप इसमें से अपनी एक बुक बना के पूरी लाइन तैयार कर लीजिए कोले सिस्टम की। ओके, थ्री मूव हो चुके हैं। E6 के बाद यहां आपको खेलना है बिशप D3, ब्लैक C5 खेलेगा और यहां रिप्लाई देना पड़ेगा आपको B3। B3 क्यों रिप्लाई देना है आपको? B3 इसलिए खेला जाता है कि C4 को स्टॉप करने के लिए, और बिशप B2 हमें यहाँ पे डेवलप करना होता है कोले सिस्टम में। तो C4 को सबसे पहले आपको स्टॉप करना होगा, इसीलिए B3। अगर B3 मिस हो गया तो आपकी गेम व्हाइट से बहुत ही पैसिव हो जाएंगे। यहाँ पे बिशप E7, बिशप B2, A6, B5, ये सब वेरिएशन हम अलग अलग गेम में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों मेन लाइन D4। कई बार मूव ऑर्डर चेंज होके NF6 करके लोग D5 करते हैं। नाइट F3 हमारा दूसरा मूव होगा, परफेक्ट। यहाँ पे अगर ब्लैक G6 करेगा तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो किंग्स इंडियन के अगेंस्ट कैसे खेला जाता है, ये भी एक चैप्टर बना लेंगे हम। यहाँ पे D5 या फिर E6। E6 होता है तो किंग्स इंडियन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे D6 देन E5 तो बहुत ही रेयर केस में होता है। तो E6 के बाद यहाँ पे आपको खेलना है E3। मूव ऑर्डर चेंज करके हम देखते हैं, अगर ब्लैक ने C5 किया है तो अभी आपको B3 नहीं खेलना है, क्योंकि D5 होने के बाद ही C4 हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ आप अपना डेवलप करते जाइए बिशप D3, उसके बाद D5, यहाँ आपको फोर्सफुली B3 खेल लेना है। B3 के बाद Nbd7, यहाँ पे बिशप B2, B6, शॉर्ट कैसल,
बीबी सेवन, बिशप पहले आउट नहीं हुआ है एफ फाइव या जी फोर पे, तब आप जल्दी कैसल कर सकते हो। कॉलर सिस्टम में ध्यान रखना है बीबी सेवन, यहाँ पे नाइट ई फाइव, पहले ही नाइट ई फाइव बहुत ही अग्रेसिव मूव है, एन बी डी टू से पहले नाइट ई फाइव ब्लैक खेलेगा ए सिक्स। अब ये आपका अर्ली डेवलपमेंट हो चुका है, यहाँ पे ब्लैक की ओर से क्या क्या मिस्टेक हो सकती है। आइडिया ब्लैक का है ए सिक्स देन बी फाइव, नाइट टेक्स डी सेवन, क्वीन टेक्स डी सेवन, ये एक नाइट आपको एक्सचेंज कर लेना है। उसके बाद डी टेक्स सी फाइव, बिशप टेक्स सी फाइव, क्वीन एफ थ्री, रिस्की मूव है। आपको लगेगा कि क्वीन एफ थ्री तो बिशप के डिस्कवर्ड में हमने खेला है, लेकिन बहुत ही बढ़िया मूव है। क्वीन का मैनोरिंग करना है यहाँ पे, मैनोरिंग यानी कोई भी पीस को हम पर्टिकुलर जगह पे ले जाना चाहते हैं, तो उसके मूव वेस्ट किए बिना हम आगे खेलते रहते हैं। क्वीन एफ थ्री के सामने ब्लैक का बेस्ट रिप्लाई होना चाहिए बिशप ई सेवन, क्योंकि बिशप टेक्स नाइट और क्वीन टेक्स एफ सिक्स की थ्रेट है। बिशप ई सेवन के बाद आपको खेलना है क्वीन जी थ्री, ब्लैक कैसल, और उसके बाद नाइट डी टू। दोस्तों इसको अब हम प्रॉपर लाइन से देख लेते हैं, डी फोर डी फाइव एन एफ थ्री, मूव ऑर्डर चेंज किए बिना एन एफ सिक्स ई थ्री, ब्लैक प्लेस ई सिक्स, बिशप डी थ्री, सी फाइव देन बी थ्री, एन सी सिक्स, कैसल, बिशप डी सिक्स, बिशप बी टू, ब्लैक कैसल, नाइट बी डी टू, क्वीन ई सेवन। यहां पे क्वीन सी सेवन बेटर ऑप्शन है, लेकिन क्वीन ई सेवन के सामने आप क्या खेल सकते हो, नाइट ई फाइव, नाइट ई फाइव बेस्ट ऑप्शन है। रुक डी एट आपके क्वीन के लाइन में एक्स्ट्रा अटैक का प्लानिंग, और रुक को एक अच्छी जगह पे खेलना। रुक डी एट के रिप्लाई में आपको खेलना है ए थ्री, ताकि नाइट बी फोर आके इस बिशप को डिस्टर्ब नहीं करे, वेटिंग मूव है। बिशप टी सेवन और यहाँ एफ फोर, एफ फोर कॉलर सिस्टम में बहुत ही स्ट्रांग मूव होती है, ज्यादातर जब भी एफ फोर करने को मिलते हैं तो हम एफ फोर खेलते ही। इसमें मैं अपने हिसाब से जो मूव बताता हूँ, ये सारे बुक मूव्स है दोस्तों। मैं जब भी गेम खेलता हूँ तो ये खास ध्यान रखो, मैं डी फोर करता हूँ, ब्लैक एन एफ सिक्स करता है, नाइट एफ थ्री मेरी सेकंड मूव होती है, फिर डी फाइव, ई थ्री और ई सिक्स, उसके बाद बिशप डी थ्री, ब्लैक सी फाइव करता है तो यहाँ पे बी थ्री फोर्स मूव है। एन सी सिक्स में मैं यहाँ पे ए थ्री पहले खेल लेता हूँ, और मैंने बहुत सारे गेम्स देखी है जिसमें वाइट ने पहले से ए थ्री खेल रखा है, उसकी गेम विनिंग ज़्यादा हुई है, मतलब विनिंग रेशियो उसका ज़्यादा है। तो ए थ्री के बाद ब्लैक अगर बिशप डी सिक्स खेलता है, यहाँ बी बी टू तुरंत खेलते हैं, कैसलिंग के बाद मैं कैसलिंग जल्दी नहीं करता, क्योंकि मैं चांस नहीं लेना चाहता कि क्वीन सी सेवन आ जाए और हमारे नाइट ई फाइव को आने से रोक दे। हमारा नाइट ई फाइव अगर एक बार आ गया तो वाइट की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए पहले नाइट ई फाइव, आफ्टर क्वीन सी सेवन, और यहाँ पे मैं एफ फोर कर देता हूँ, और अब मुझे जो स्ट्रक्चर चाहिए वो बिल्कुल मिल जाता है, और यहाँ पे कोई डायगोनल में अटैक नहीं आने वाला है।
यहाँ पे B6 वो बिशप को ओपन करने के लिए, और उसके बाद जल्दी से कैसल। अब कैसलिंग वाली मूव मैंने 10th मूव में कैसल किया है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम पहले अपने सिस्टम बिगिनर्स प्लेयर को मैं बताता हूँ कि जल्दी से जल्दी कैसल करो, लेकिन आप लोग बिगिनर्स नहीं हो, एडवांस लेवल के प्लेयर हो, एक्सपर्ट लेवल के प्लेयर हो, तो आप समझ सकते हो कि अटैक नहीं आता है तो आराम से आप कैसलिंग लेट से कर सकते हो। यहाँ पे उसके बाद Nb2 और देन जैसे कि Rc8, यहाँ पे Rc1, देन आपका आइडिया C4 का हो सकता है, Nd3, बहुत सारे मूव्स आपके पास है, देन नाइट को आउटपोस्ट करने का है, Nxnight, देन ये नाइट यहाँ से e5 पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कोले सिस्टम के बारे में है, स्टार्टिंग दिखाया मैंने, अभी बहुत सारे वेरिएशन हमें कोले सिस्टम में सीखने हैं, कोले वर्सेस किंग्स इंडियन, कोले वर्सेस डस स्टोन वॉल, बहुत सारे लाइंस में आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, बेल आइकॉन प्रेस करके रखे, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही आपको मिलता रहेगा। जल्द ही मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद जय गुजरात।